गुड इवनिंग। सबसे पहले इस नए कैंपस में नए पुराने सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत। और कुछ चार पांच ऐसे कारण थे जिसके वजह से हम लोगों को मतलब सेशन के बीच में ही बिल्डिंग चेंज करने का डिसीजन लेना पड़ा। और अब उम्मीद ही नहीं है, विश्वास भी है कि आगे जो कारवा है तैयारी का बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। आज की जो क्लास का उद्देश्य है वह 15 दिसंबर 2019 को आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा है। और इस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में अगले 25 दिन हम लोग प्रश्न उत्तर आधारित अभ्यास के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजों पर फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स पर डिस्कशन करेंगे। प्रारंभिक परीक्षाओं की हमेशा एक चुनौती होती है। एक चुनौती ये होती है कि जो कुछ भी विगत वर्षों में आपने पढ़ा है उसको समेट लेना। एक चुनौती ये भी होती है कि जो बहुत महत्वपूर्ण है उसको पकड़ लेना, उस पर 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना। और एक ये भी चुनौती होती है कि एक बार कभी पढ़ी गई चीज को भी एग्जाम में अपने पक्ष में इस्तेमाल कर लेना। मैं रणनीति पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, टुकड़े टुकड़े में बीच बीच में आपको इजी बनाने के लिए स्ट्रेटजी पर बात करूंगा। मैं सीधे मुद्दे पर आऊंगा। और आप में से कुछ लोगों को थोड़ा दबाव होगा, कुछ बच्चों को ये दबाव होगा कि अगले एग्जाम में करना ही करना है, सीट्स कम है अपेक्षा करें, और जो रिजल्ट होगा वो 13 गुना ही होगा और नेगेटिव मार्किंग भी है, तो एग्जैक्टनेस की भी क्या है आवश्यकता है। जो हम लोगों को हम संघात्मक हैं लेकिन हम सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक है। हमारे यहां संघात्मकता का पलड़ा केंद्र के पक्ष में क्या है झुका हुआ है। पैसा छापने का अधिकार केंद्र के पास, रिजर्व बैंक किसका, केंद्र का। फिर इसी तरह से ज्यादा विषयों पर कानून बनाने की ताकत किसकी, केंद्र की। संघ सूची और समवर्ती सूची को मिला दीजिए ज्यादा विषय हो जाए, तो ये भी एकदम सही है, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको मैंने बताया। सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक आ गए तो आप वहां पर गड़बड़ा गए। एक यहाँ दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न है, ये गड़बड़। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। संप्रभुता का शाब्दिक मतलब होता है सर्वोच्च। देखिए जो सॉवरेन शब्द है, इस सॉवरेन शब्द में आप यहां पर ये देखेंगे कि सॉवरेन का मतलब होता है सुप्रीम पावर, सर्वोच्च शक्ति। तो सर्वोच्च शक्ति एक ही, इसलिए यहां पर दोनों को संप्रभुता कहते हैं। इसलिए यहां पर ये, इसलिए आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी जानते होंगे इस बात को, बहुत झगड़ा रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि संप्रभुता का सिद्धांत हमेशा एकलवादी होगा, होगा कभी भी बहुलवादी नहीं होगा। रीजन क्या है, आप शक्ति को बांट, शक्ति को डिवाइड आप नहीं कर सकते और कई जगह बांट कर आप नहीं दे सकते। तो इसलिए यहां पर इस कॉन्सेप्ट को क्या है हम लोग या इसको यहां पर ध्यान में रखें, दोनों वाला क्या है गलत हो गया। विधायी वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ और उसके इकाइयों के मध्य विभाजित कर, एकदम सही है। तो इसमें 1, 2 और 4 क्या है, भारी तो नहीं हो रहा है, जब भी ज्यादा लगे आप बता दो, लेकिन मुझे नहीं पता लगेगा, ये तो ये पुरानी थी। तो यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं, इसको कंप्लीट करते मैं ये भी चाह रहा हूँ कि आपका पढ़ने का एक मोमेंटम भी क्या हो जाए, सेट हो जाए। चलिए ये बहुत अच्छा सवाल है। मेंस देखिए, पहले जब प्री मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव होते थे यूपी में, तो मेंस जीएस का स्टैंडर्ड थोड़ा सा क्या होता था, ठीक है। तो मेंस वाला सवाल है ये, संस्थात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण, अयोध्या मामले के बाद तो बिल्कुल,
कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण, ये थोड़ा बहुत हो सकता है। लोग ऐसा कह रहे हैं, जैसे अभी प्रख्यात इतिहासकार जो है रोमिला थापर ने हिंदू में लिख दिया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, पॉलिटिकल वर्डिंग है जो भी है, लेकिन सरकार के अंग जो है एक दूसरे से प्रभावित होते रहते हैं। कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, ये नहीं होना चाहिए विधायिका का कार्यपालिका पर। अच्छा सवाल है, उच्च तापमान की परिस्थिति में सवाल गलत हो सकता है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे ना, और जैसे क्या है सेट करने वाला जानता है कि बच्चा पढ़ेगा और डी तक आते आते एकदम कंफ्यूज हो जाए, जो प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व आप कर लेंगे। इसी के साथ हम लोग मूल अधिकार, मानव अधिकार और मूल कर्तव्य ये करेंगे, तो एक यूनिट लगभग क्या हो जाएगा, एक यूनिट जो है दिमाग पर कोई ज्यादा लोड नहीं लेना है, पढ़ने का इंटरेस्ट खत्म नहीं होना चाहिए, और जैसे हो सकता है किसी बच्चे को भी थोड़ा डर लगे कि क्या हो रहा है, तो एनसीईआरटी को बेस बनाकर पहले अपने कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड को मजबूत करके धीरे धीरे जानकारी को क्या है पढ़ना। अचानक जानकारी, जैसे अचानक वाणी प्रकाशन का अगर आप पाठ शुरू कर दें तो तथ्यों के बियाबान जंगल में यात्री भटक गए। पढ़ने के लिए भी क्या है आपका एक क्या है एक माइंडसेट बन जाना, तो ये हम लोग इस तरीके से क्या है आगे बढ़ेंगे। और एक कोई भी चीज डिसाइड कर लीजिए इसको पढ़ना है, कुछ जो है बेयर एक्ट और एनसीईआरटी वो मेरी तरफ से आपको पढ़ना है। बेयर एक्ट और एनसीईआरटी भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार की जो एनसीईआरटी है उसमें मैंने कहा कि जो संघवाद वाला चैप्टर लिखा गया है उसको एक बार जाकर आप पढ़ लीजिए। संसदीय प्रणाली जितना मैंने बता दिया उससे आपका सवाल क्या है, और इन सवालों के अलावा कोई अगर आपके पास और सवाल है, उलझन है, कोई समस्या है, वो आप कल लेकर आएंगे, कल इस पर बात करेंगे।